में पहले चरण में कोरोना टीका लगाने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई। शनिवार को एक साथ राज्य के 300 केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ होगा। पटना में सीएम नीतीश कुमार IGIMS स्थित केंद्र पर एक सफाई कर्मी और साथ ही साथ एम्बुलेंस कर्मी को टीका लगवा कर इसकी शुरुआत करेंगे। पहले चरण को लाभार्थियों की सूची सभी टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचा दी गई। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निर्देशक मनोज कुमार ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के सभी टीकाकरण केंद्रों पर पहले सफाई कर्मी और एम्बुलेंस कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सभी केंद्रों पर पहले दिन 100 लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई। कोविन पोर्टल पर उनके नामों की स्वीकृति देते हुए पहले दिन ही सभी लाभार्थियों को मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। इसी के अनुसार शनिवार को निर्धारित समय पर टीकाकरण का कार्य होगा। इसके लिए शहर के 6 केंद्रों समेत कुल 16 केंद्रों पर बनाए गए। पहले दिन सिर्फ 50 वर्ष से कम आयु के स्वास्थ्य कर्मी को टीका लगाया जाएगा, लेकिन किस स्वास्थ्य कर्मी को और कोरोना वॉरियर को कब टीका मिलेगा इसकी कोई जानकारी टीका लेने वाले को अब तक नहीं मिली है। टीकाकरण के शांतिपूर्ण योजना के लिए केंद्र पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने केंद्र पर वेब काउंसिल की फुल प्रूफ व्यवस्था के लिए NIC के DIO और IT मैनेजर के सभी आवश्यक तकनीकी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यूज डेस्क, नेशन न्यूज, पटना।